जो सामने वाला हो जाए समझ मैगजीन, अरे तो मैगजीन सेक्शन में बुक्स आप लगा लीजिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए, कुछ रीओरियंट करिए इसको भाई। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में स्कूल बुक्स में एक उन्होंने बुक इंट्रोड्यूस की है, कैन ग्लेशियर एंड आइस मेल्ट बी रिवर्स्ड। इसमें उन्होंने कुछ आर्टिकल्स का कंपाइलेशन किया है। उस आर्टिकल में हमारा एक आर्टिकल है, द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड विद ग्लोबल वार्मिंग। इसको उन्होंने उस टेक्स्ट बुक में इंक्लूड किया है। और इस चैप्टर को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अपने जो 2015 का एडिशन आया है उसमें ये कहा है कि दिस इज़ द, वी आर द फर्स्ट इंडियन ऑथर्स टू अपीयर इन द स्कूल टेक्स्ट बुक। इस चैप्टर में हमने इस बात पे जोर दिया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उस ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं और सी लेवल राइज कर रहा है, इसको हमें बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यदि ये इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो ऐसी दशा में पानी का लेवल अगर बढ़ता जाता है और आइस का जो हमारे रेस्टोरेशन नहीं होता है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी। और छोटे छोटे कंट्रीज़ जो कि सी शोर पे हैं, ये संभावना है कि वे डूब जाएं। आने दो, आते भी हैं तो सर प्लीज़ आप मूव कर सकते हैं। अच्छा पढ़ा रहे हैं, कंट्रोल वाला पोर्शन अच्छा पढ़ा रहे हैं। सर बैठो, बोलो।